बजरिया प्रीमियम लीग खंडा का उद्घाटन सपा जिला अध्यक्ष रामगोपाल बघेल, जिला महासचिव तेजपाल यादव आगरा समाजवादी पार्टी ने फीता काट कर किया। जिला अध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में आगे आना चाहिए। खेलकूद से शरीर का विकास होता है, वहीं देश का युवा देश की पहचान है और युवा ही देश का भविष्य है। युवाओं को शिक्षा के साथ साथ खेलकूद पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं एक बार पुनः कमेटी के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ सभा में मुरली यादव, विनोद यादव पूर्व प्रत्याशी प्रधान खंडा, मनोज सर कमेटी अध्यक्ष, खेम सिंह बघेल, बंटू यादव, विपिन यादव, भोला यादव आदि मौजूद रहे। खिलाड़ियों का, युवाओं का जोश बढ़ाते हुए सभी हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं और युवाओं में उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम करते रहे। मेरे युवा साथी बड़ी तादाद में यहाँ खड़े हुए हैं, तो मैं उन्हें बता देना चाहूँ कि जिस तरह से आप ये क्रिकेट टूर्नामेंट खेलकर अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस टीम को टीम से आपको लगाव है उस टीम को जीतने के लिए आप दुआ कर रहे हैं, इसी तरह से राजनीतिक टूर्नामेंट भी हर 5 साल बाद उत्तर प्रदेश और देश के अंदर होता है। उसके अंदर भी टीमें खेलती हैं, खिलाड़ी वहाँ भी होते हैं। फर्क इतना है कि इसे क्रिकेट टूर्नामेंट कहते हैं और इसे राजनीतिक टूर्नामेंट कहते हैं। इसी प्रकार का टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के 22 में होने वाला है। मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है उस टूर्नामेंट में जितने भी खिलाड़ी खेलें, जितनी भी टीम खेलें, उसमें जीत को सिर्फ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ। जो 2022 में राजनीतिक टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, उस राजनीतिक टूर्नामेंट के अंदर अच्छाई और बुराई के बीच में एक ट्रॉफी होगी। अच्छाई के साथ युवाओं का भविष्य, किसानों का भविष्य और गरीब और मजदूरों का भविष्य को लेकर के अखिलेश यादव जी एक तरफ से कप्तानी करेंगे और दूसरी तरफ से युवाओं के दुश्मन, किसानों के दुश्मन और प्रत्येक उत्तर प्रदेश का दुश्मन बाबा योगीनाथ खेलेंगे। हम सभी लोगों को अच्छाई का साथ देते हुए बिना किसी भेदभाव के आपसी मनमुटाव को खत्म करते हुए उस टूर्नामेंट में सिर्फ समाजवादी पार्टी के पक्ष में काम करना है और समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर जिता करके युवाओं के भविष्य के लिए उस खेल को बढ़ावा देने के लिए अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, तभी ऐसे टूर्नामेंट आगे जाकर और होने लगेंगे। आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए आगरा का कप्तान मुझे चुना है। आप सभी आगरा में समाजवादी पार्टी की टीम के खिलाड़ी हैं और प्रत्येक खिलाड़ी की जिम्मेदारी है कि आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर जीत के जाए, जिससे जब लखनऊ के अंदर आगरा के लोग जाया करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े बड़े नेता गर्व के साथ कहें कि आगरा के कार्यकर्ता आए हुए हैं, देखिए इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर वहाँ से विधायक जिता करके दे दिए थे। अगर इतना मान सम्मान आप सभी लोग चाहते हैं तो एर्मापुर विधानसभा की सीट को बड़े पैमाने पर जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। आपसी मनमुटाव हम यही खत्म कर दें, ये चलते रहेंगे जब तक जिंदगी चलेगी, आपस में लड़ेंगे बिड़ेंगे, लेकिन 2022 में हम लोगों को अपनी सरकार बनाकर गरीब मजदूर किसान और युवा और खिलाड़ियों के भविष्य को सुधारने के लिए अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करना चाहिए, जिससे इस प्रदेश आगे बढ़ सके
तो हर दिशा में अच्छे कार्य हो सके और यहाँ की जनता खुशहाल जीवन जी सके। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद देते हुए, आयोजक कमेटी को धन्यवाद देते हुए, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय समाजवाद।